हे फूडीज़, मैं हूँ सौम्या और स्वागत करती हूँ आप सभी का मे डिज़ियर में। आज मे डिज़ियर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही आने वाला है जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है, तो इसको एंड तक पूरा देखिएगा। मे डिज़ियर पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पालक पनीर बनाने के लिए 250 ग्राम पालक लिया है। पालक की जो स्टेम है, अगर वो सॉफ्ट है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, पत्ते और स्टेम दोनों का यूज़ करेंगे क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट है। इसको अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक पैन में पानी गर्म करेंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सारी पालक। पालक को हमें अच्छे से यहाँ पर ब्लांच करना है। पालक को अगर प्रेशर कुक करते हैं तो उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, तो जो एक्चुअल इसका ग्रीन कलर है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसको आप ढक्कन लगा के 5 मिनट तक के लिए ब्लांच कीजिए एकदम लो फ्लेम पे, और उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, और उसके बाद हम इसे ओपन कर देंगे लिड को। बस इसी में आपको रखना है थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पानी को अलग कर देंगे, और सारी पालक को हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। इसका हमने एक स्मूथ पेस्ट तैयार किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इस पेस्ट को एक साइड में रख देंगे, आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक अनियन जिसको मैंने इस तरीके से रफली चॉप किया है, और 6 से 7 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं। उसके साथ कुछ बेसिक से मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक। सबसे पहले हमें इसे प्याज और लहसुन का हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपना तैयार किया हुआ लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसको डालने के बाद हमें इसे भूनना है। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे अपने जितने भी मसाले हमें इसमें डालने हैं। वैसे भी पालक पनीर में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पर हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल अलग नहीं हो जाता। इतने अच्छे से मसाला हमारा भुना होना चाहिए। तो इसको लो फ्लेम पर चलाते रहिए, और चलाते चलाते जब मसाला इस स्टेज पे आ जाएगा इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब हमें इसमें डाल देनी है जो हमारी तैयार की हुई पालक की पेस्ट थी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब ध्यान रखिए जो मसाला है वो भी हमारा भुना हुआ है, और पालक को भी हमने ब्लांच कर लिया था, यानी पालक भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है, तो अब इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, तो इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। अब कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे लगभग 3 से 5 मिनट के लिए। जब ये ग्रेवी हल्की सी थिक हो जाएगी तब हम लिड को ओपन करेंगे। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/3 छोटी चम्मच गर्म मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच फ्रेश क्रीम। क्रीम आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी पालक पनीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब यहाँ पर डाल देंगे पनीर के पीसेस, अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इसको कवर कर दें और 2 मिनट तक इस तरीके से कवर रहने दें। तो जो कवर रहने के बाद इसके अंदर पनीर के अंदर सारा फ्लेवर आ जाएगा, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप कद्दूकस करके हल्का सा पनीर डाल दीजिए, और ऊपर से फ्रेश क्रीम के साथ इसको इस तरीके से गार्निश कीजिए। तो ये देखिए लग रही है ना, देखने में बिल्कुल जैसे कि रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो है ना कितनी इजी और कितनी सिंपल सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मे डिज़ियर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मे डिज़ियर। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।